हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अभी शाम का बज चुका है 5 और अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं आज अपने बच्चों को लेकर मेला जाने वाली हूँ, वो भी अकेले। उसके पापा गए हैं घर, आप लोग को बताई थी, क्योंकि बाबा का जो डॉक्टर का चेकअप है ना, उस दिन बाबा का टेस्ट वगैरह हुआ, तो आज उसका रिपोर्ट लेने के बाद ही बाबा को डॉक्टर दिखाएंगे, फिर वो रात का ट्रेन में आएंगे। हाँ बोलो, पापा आएंगे रात को, बोलो पापा रात को ट्रेन में आएंगे। हाँ पापा रात को ट्रेन में आएंगे, तो हम लोग अभी मेला जा रहे हैं क्योंकि आज मेला का लास्ट दिन है, वो भी शाम से पहले जा रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर इतना हिम्मत नहीं कर सकती कि रात को मेला घुमाऊँ, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है आज। हाँ मेरी बेटी गई है कोचिंग, वो आती होगी, बस वो आने के बाद ही हम लोग निकलेंगे। ऐसे बात करें, ऐसे किसी कौन बात करता है, तो चलिए साथ में फिर हम लोग निकलेंगे ना। आ जाओ बेटा बैठो। हाँ कॉम नहीं करेंगे? गे। हाँ गेगे हुआ है, कॉम कर लेते हैं। चलो आपका कॉम कहाँ गया, लेके आओ कॉम, लेके आओ। करेगी और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मेला। कौन कौन जाएंगे? मामा पापा। पापा कैसे जाएंगे? पापा तो घर गए हैं ना दादा को डॉक्टर दिखाने, और मेरे हस्बैंड का भी तबीयत सही नहीं था, तो आज थोड़ा सा सुधार है बोलूंगी तो। उनको भी बुखार है, जिस दिन गए उसी दिन से, उससे पहले दिन से है, पर पापा को डॉक्टर दिखाना जरूरी था इसीलिए। आप बिना खाए जा रहे हो, भूख लगे तो क्या करोगे, क्या खाओगे वहाँ? क्या मिल्क कहाँ मिलेगा वहाँ? वहाँ थोड़ी मिल्क मिलता है, वहाँ मिल्क नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है वहाँ मिल्क? वहाँ कुछ मिल्क वगैरह नहीं मिलेगा, आप भूखे रहना। आद्या का कम हो गया, भैया के हम लोग रेलवे फाटक के पास पहुंच गए हैं, पर यहाँ पर हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है फाटक बंद। मतलब अभी कितना देर तक रुकना पड़ सकता है ये कोई नहीं कह सकता है। एक साथ एक ट्रेन भी पार हो सकती है या फिर तीन भी पार हो सकती है, मतलब आधा घंटा भी हो सकता है या फिर 10 मिनट भी हो सकता है, मतलब ऐसा हाल हो जाता है। मुझे शर्म लग रहा है दिन को मेला घूमते हुए, इसी के चक्कर में हुआ, और जाके हमको क्या बोल रही है कि मामा मेला 2 दिन और एक्सटेंड हो गया। 2 दिन से मेरा जान खा रही थी कि आप नहीं ले जा सकते हो क्या घुमाने। अब जब आज मैं रेडी होकर बैठी हुई थी तब लेट भी पहुंची ट्यूशन से, और ऊपर से बोल रही है कि 2 दिन और एक्सटेंड हो गया। दिखाती हूँ मेला दिन को कैसा लगता है। दो तीन दिन जो लगातार बारिश चला ना, उसमें दुकानदार को जितना लॉस हुआ है वो लोग आज फुल वसूल कर रहे हैं। मतलब सारा चीज़ इतना महंगा कर दिए हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता है आज बारिश के बाद जो धूप आया है सबको आज मेला में आएंगे। तो अभी तो मेला का शुरुआत ही था, मतलब इतना भीड़ भी नहीं जमा था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर अचार लेने के लिए, क्योंकि उस दिन देख के गई थी पर ले नहीं पाई थी, मतलब इतना ध्यान नहीं पड़ा कि मुझे लेना है, फिर याद आया कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि जो ये सब मेला वगैरह में मिलता है ना अचार, इसमें वेराइटी मिल जाता है। वरना मैं कहाँ जाती हूँ आती हूँ कि ये सब लूँ। और ये देखिए यहाँ पर पूरा दुकान अच्छे से लगा हुआ था, मतलब ऊपर पूरा छज्जा वगैरह किया हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा पानी इसमें भर गया है कि उधर जाना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक बहुत ही सुंदर चीज़ देखने, ये देखिए। उस दिन ये देख के गई थी पर इसका दाम भी पूछना भूल गई थी, तो आके आज पूछ रही हूँ तो ये 4,000 का बता रहे हैं। मुझे अगर ये लोग 1,500-2,000 में देते ना, मैं ज़रूर से इसको लेके जाती, क्योंकि इतना मुझे पसंद आ रहा है। बोल रहे कि ये प्योर शीशम लकड़ी या फिर कुछ ऐसा बोल रहे थे उसका है, मुझे तो लकड़ी के बारे में इतना आइडिया नहीं, पर हस्बैंड भी नहीं थे साथ में, बना कैसे भी करके दाम पटाकर 2,000 के आसपास भी होता तो ले लेती, और उसके बाद बच्चों के लिए थोड़ा बहुत चश्मा वगैरह लेना था ले ली। और देखिए अभी अंधेरा भी होने जा रहा है, फिर भी मुझे ये है कि मेला से अभी और थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि बेटी बोली मामा आए हैं तो फिर अगले मेला खत्म ही हो जाए, हम लोग ना आ पाए
तो जो भी है आए हैं तो घूम फिर के ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि आए हैं और तुरंत चल जाए। और अभी देखिए हम लोग लॉटरी दुकान में आ गए। बेटी बोले हर बार मामा आते हैं पर हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, एक चम्मच या फिर एक पेन या फिर एक एक रुपया वाला शैम्पू मिलता है, ऐसे ही मिलता है। पर आज मैं ट्राई करूँगी कि क्या लेते हैं मिलता है तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग 5-5 रुपया करके 60 रुपया का टिकट लिए, उसमें हम लोग को बस 3 ही चीज़ मिला। जो भी हर बार तो कुछ भी नहीं मिलता है, 100 रुपया का करा लेते हैं फिर भी, पर इस बार कम में भी हम लोग को कुछ ना कुछ मिल ही गया। और हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो हम लोग का 60 रुपये वसूल हो गया। छोटा सा क्वालिटी था, एक पेन स्टैंड था और एक चाय छलनी था। मतलब जो भी है मज़ा तो आया इस बार, बच्चों के साथ घूम के भी सही पर मज़ा आया। हम लोग हर चीज़ को छोटा छोटा चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और अद्या बोल रही थी मामा चलिए घर चलिए पानी भरना है, उसको बाल्टी में ना पानी भरने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो इतना छोटा सा बाल्टी मिल गया था। और वो लोग भी हंस रहे थे क्योंकि हम लोग मज़ा कर रहे थे, चलिए इस बार तो 0 आया। जो भी मेला घूम लिए, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खिलौना भी ले लिए। और आदिया देखिए आगे आगे निकल के जा रही है कि मामा चलिए अब घर जाना है स्कूटी में बैठकर। फिर मुझे थोड़ा बहुत सब्जी भी लेनी थी तो यहाँ सामने भी एक दुकान है, वहाँ से मुझे सब्जी लेनी है और फिर हम लोग घर की ओर जाएंगे। तो चलिए घर जाके ही मिलते हैं। आगे मेला से घूम के देखते देखते 7 पार हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि 1 घंटा में वापस आ जाएंगे पर मेला जैसे ही एंट्री करो ना पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम पार हो जाता है। तो जो भी है अभी बच्चों को लेके सुरक्षित घर वापस आ गई हूँ। इनसे बात कर रही थी तो ये अभी आज रिटर्न आ रहे हैं तो ट्रेन के लिए निकल पड़े हैं घर से। बाबा को घर पहुँचाए, फिर बाबा का टेस्ट वगैरह हुआ, सारा कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर बोल रहे हैं कोई टेंशन नहीं, 1 महीना बाद फिर आप लोग चाहें तो आ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हुई, वरना जो कुछ ही दवाई दिए हैं वो दवाई चलती रहेगी, अभी हल्का फुल्का दवाई वो भी। तो चलिए मैं चेंज कर लूँ, पहले काफ़ी गर्मी लग रही है। उसके बाद अभी मुझे रात की डिनर की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि इनका तबीयत ख़राब हुई, उस हिसाब से मुझे खाना भी बनाना है। और थोड़ा सा नारियल का चाशनी भी बना कर रखती हूँ, देखती हूँ अगर हो सके तो पीठा वगैरह बनाऊँ, और घर का काम सब पड़ा हुआ है। तो चलिए पहले चेंज करती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोग से। ये बचपन में हमेशा जहाँ भी जाती थी मेला हो या फिर जहाँ भी मिल जाए ना इसको बबल ये लेके आती थी, तो इसका शौक कैसे पूरा ना होगा इसे। बनाने के लिए आटा गूंदने आई थी और देखिए आद्या का हालत, रोज मैं जब भी रोटी बनाती हूँ कुछ इस तरह का उसका हालत रहता है और आटा गिराती है बर्बाद करती है और खुद का हालत क्या करके रखी है। क्या बनाओगे अभी आप? रोटी बनाओगे? और ये देखिए मेरा काम बढ़ाती है, ये नहीं होगा इसे, ऐसे नहीं होगा। रुको रुको हाथ धोने दो मामा को। हाँ कौन बनाएगा? आद्या बनाएगी। जिस दिन हमें तकलीफ झेलनी ही रहती है ना, मतलब दिन खराब हो, उस दिन सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई रूप में आके मुश्किल खड़ी ही हो जाती है सामने। जैसे आज मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, बेचारा ऐसे ही इनका तबीयत खराब नहीं है कुछ दिनों से लगातार, और आज ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास भी लंबा लाइन था, ऊपर से वहाँ से आए हम लोग के पास आने के लिए ट्रेन में बैठे तो ट्रेन आके बीच रास्ते में रुक गई। तो जो भी है वो आते आते बहुत लेट हो जाएगी और आके पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगी। तो ये कुछ सामान मैं लेके आई हूँ आधे के लिए, छोटा सा चांदी बोल रहे हो स्टील का ग्लास लाई थी एक्चुअली, उसका चांदी का जो ग्लास है ना वो थोड़ा सा छेद हो गया है जिस वजह से उसको मिल्क पिलाना दिक्कत हो रही है। वो छोटा सा ग्लास में सही रहता मेरे लिए। तो आके अभी हस्बैंड पहुँच गए हैं, रात का 12 बज गया था और लेके आए थे जो सामान हर बार। और एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी भी अब जग रही है, उसका स्कूल है सुबह फिर भी जग रही है क्योंकि उसकी दादी ना उसके लिए कुछ दे भेजे हैं, तो इसीलिए बेचारी खाई नहीं अभी तक। मैं रोटी बनाई थी सब्जी भी बनाई पर बोली मामा आपका वाला मैं मुझे नहीं खानी है, मुझे दादी वाला सब्जी और जो दे भेजी है दादी वही खानी है। और उसके पापा देखिए यहाँ पर नॉनवेज भी कुछ लेके आए थे क्योंकि बुधवार था, तो बोले बच्चों के लिए ऐसे तो जो रो वाला होता है वो तो नहीं लाए हैं और बना हुआ होटल से ही लेके आए थे, पता नहीं इसके अंदर क्या है। और उसकी दादी जो दी है उसी के ऊपर उसका ध्यान है। और ये देखिए आलू का जो चटपटा सा सब्जी होता है वो उसके साथ पूड़ी, और उसके पापा लेके आए थे चिकन बटर मसाला, जो भी हम लोग तो वो खाएंगे। मेरी बेटी बोली ऐसे वो नॉनवेज पसंद करती है पर उसको आज नहीं खाना था, बोली दादी मेरे लिए इतना प्यार से दे भेजी है मुझे तो यही खाना है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना देखने में, एक्चुअली बना भी था बहुत ज़्यादा टेस्टी और हम सबका वही हो जाता मैं बेकार का बनाए। तो जो भी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड देते हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर बाय।